ये कहानी 20 साल के एक ऐसे लड़के पर आधारित है जिसे अपनी एक खूबसूरत टीचर से प्यार हो जाता है। इसके बाद वो कैसे उसको पटाकर उसकी केनी छेनी बनाता है, ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जो ट्रेन में सफर कर रही थी, वो बहुत ही अपसेट थी। फिर अगले सीन में एक टीनेज लड़के को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर बहुत रो रहा था। अगले सीन में हम एक टीचर को देखते हैं जिसका नाम लीला था। हाल ही में उसका डिवोर्स हुआ है और वो एक नए शहर में एक टीचर के तौर पर स्कूल में आई है। लीला देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसका बिहेवियर बहुत ही स्वीट था। इसके बाद हम जैसन को देखते हैं, वो जिस स्कूल में पढ़ता था उसी स्कूल की टीचर लीला थी। जैसन पढ़ने में बहुत ही लापरवाह था और अपनी पॉकेट मनी के लिए टाउन में ड्रग्स बेचता था। जैसन के मॉम डैड उसे पढ़ाना चाहते थे पर जैसन उनकी बातों को हमेशा इग्नोर कर देता है और अपना इलीगल काम जारी रखता है। आज लीला का स्कूल में पहला दिन था। लीला अपने स्वीट नेचर की वजह से बहुत ही पॉपुलर थी। वह अपने स्टूडेंट से अच्छे से पेश आती थी। स्कूल के बाद जैसन और उसके फ्रेंड मिलकर स्मोक करने लगते हैं। साथ ही वह स्कूल की नई टीचर लीला के बारे में भी बात करने लगते हैं। अगले दिन स्कूल में जैसन लीला से होमवर्क के लिए हेल्प मांगता है तो लीला भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है, लेकिन दूसरी टीचर शेरन उसे बताती है कि तुम जैसन के पीछे अपना टाइम खराब मत करो, उसका पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन लीला कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं एक टीचर हूँ और यही मेरा काम है। एक दिन स्कूल में सभी स्टूडेंट अपना पोएट्री असाइनमेंट सुनाते हैं जिसमें जैसन की भी बारी आती है। जैसन की पोएट्री लीला को इतनी पसंद आती है कि वह उसमें खो जाती है। अगले दिन स्कूल में मीट लीला को रात की पार्टी के लिए इनवाइट करता है तो लीला भी मान जाती है। स्कूल का टाइम पूरा हो जाने के बाद लीला हर रोज 30 मिनट जैसन के साथ स्पेंड करती थी और उसे पढ़ाया करती थी और रोज साथ रहने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगे। लीला जैसन को बहुत पसंद करने लगी थी। रात को लीला मीत के साथ क्लब में जाती है जहां दोनों ड्रिंक करते हैं और साथ में डांस करते हैं, लेकिन जैसन ये सब देख रहा था और यह देखकर उसे काफी जेलस फील होता है। उसी रात लीला बहुत ड्रिंक कर लेती है तो मीत उसे गाड़ी में घर तक छोड़ने जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जैसन क्लास में नहीं आता और कहीं ना कहीं लीला को उसकी कमी महसूस हो रही थी। शायद वो दिल ही दिल में जैसन को पसंद करती थी। जब क्लास का टाइम पूरा हो जाता है तब जैसन क्लास में आता है। लीला जैसन से कहती है कि आज तुम स्कूल में लेट क्यों आए। वो कहती है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे पीछे अपना टाइम खराब नहीं करूंगी। यह सुनकर जैसन लीला को सॉरी कहता है और दोबारा कभी ऐसा ना करने का प्रॉमिस करता है। रात को जब लीला अपनी मॉम से फोन पर बात कर रही थी तभी घर की डोरबेल बजती है। जब लीला दरवाजा खोलती है तो सामने जैसन खड़ा था, उसके नाक से खून बह रहा था। दरअसल वह अपने फ्रेंड से झगड़ा करके आया था। जैसन की ऐसी हालत देखकर लीला उसे तुरंत अंदर बुलाती है। जैसन कहता है कि मैं इस हालत में घर नहीं जाना चाहता तो लीला उसकी हेल्प करती है और उसके जख्मों को साफ करती है। थोड़ी देर बाद जैसन वहाँ से जाने लगता है तो लीला कार से उसे घर तक छोड़ने जाती है। बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और मौसम भी सुहाना था। जैसन एक जगह पर लीला को कार रोकने को कहता है और गाड़ी से बाहर निकलकर लीला को भी बाहर बुलाता है। लीला कार से बाहर आती है। जैसन लीला को अपने साथ डांस करने को कहता है पर लीला कहती है कि हमें चलना चाहिए। धीरे धीरे जैसन लीला के करीब आता है और लीला को टच करने लगता है पर लीला जैसन से दूर हो जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। वह जैसन को लेकर उसके घर पहुंचती है। गाड़ी में वह जैसन को बताती है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो और मैं तुम्हारी टीचर हूँ। आज बात बहुत आगे निकल गई और ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ, लेकिन इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। एक तरफ लीला जैसन को पसंद करती थी पर कहीं ना कहीं उसे गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि वह उसका स्टूडेंट था और एज में भी छोटा था। जैसन लीला की बात पर कोई रिएक्शन नहीं देता और अपने घर चला जाता है। अगले दिन क्लास में लीला जैसन की तरफ देखती भी नहीं। एक दिन वो फिर से मीत के साथ क्लब में जाती है जहां जैसन भी आया था। मीत लीला को पसंद करता था और ये बात लीला भी जानती थी, पर अभी तक मीत ने लीला को प्रपोज नहीं किया था। थोड़ी देर बाद लीला बाथरूम में जाती है तो जैसन उसके पीछे जाता है। जैसन और लीला बहुत करीब आ जाते हैं। लीला भी उसे नहीं रोकती।
और उसका साथ देने लगती है, लेकिन अगले ही पल वो उसे अपने से दूर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जैसन की इस हरकत की वजह से वो पैनिक हो जाती है और वो मीत को बाय कहकर घर चली जाती है। उसके चले जाने के बाद शेरन मीत के पास आती है और वो मीत से कहती है कि जैसन हमेशा लीला के आसपास कुत्ते की तरह घूमता रहता है। अब इस बात को मीत कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेता है। यहाँ लीला जब घर में होती है तभी जैसन दरवाजा खटखटाता है, तो लीला को ना चाहते हुए भी दरवाजा खोलना पड़ता है। यहाँ भी लीला जैसन को समझाती है कि हमें ये सब रोकना होगा और हमें लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, लेकिन जैसन धीरे धीरे लीला के पास आता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि जो वो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, ये कहकर वह उसके करीब जाने लगता है। लीला भी खुद को रोक नहीं पाती और उसका साथ देती है। फिर जैसन लीला की केनी छेनी बना देता है। अगली सुबह लीला जैसन से कहती है कि रात को हमारे बीच जो भी हुआ तुम उस बारे में किसी को नहीं बताओगे। तब जैसन कहता है कि ठीक है। साथ ही लीला ये भी कहती है कि आज के बाद ये सब फिर से कभी नहीं होगा, लेकिन जैसन उसकी बात को हंसते हुए टाल देता है। स्कूल में मीत लीला से मिलता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ जैसन आ जाता है और लीला मीत को बाय कहकर चली जाती है। जब भी मीत लीला के करीब जाने की कोशिश करता था तभी बीच में जैसन आ जाता था, और अब ये बात मीत को भी समझ में आ गई थी। क्लास के बाद जब भी लीला उसे पढ़ाती थी तब जैसन अपने मन पर कंट्रोल नहीं रख पाता था और उसे टच करने की कोशिश करता था। जैसन और लीला साथ में बहुत खुश थे, पर लीला को हमेशा डर बना रहता था कि कहीं इस बात का पता उसके पेरेंट्स को ना चले। एक दिन वो दोनों घूमने जाते हैं जहां वो स्विमिंग करते हैं, और पानी में ही जैसन लीला की केनी छेनी बना देता है। एक दिन जैसन की मॉम जैसन के फोन में उनकी फोटो देख लेती है, पर उन्हें लगता है कि ये कोई लड़की है जिसे जैसन डेट कर रहा है। लेकिन एक दिन स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में जैसन की मॉम लीला को देख लेती है और उसे पता चलता है कि ये जैसन की टीचर है और यही जैसन के साथ सेल्फी में भी थी। अब यहाँ जैसन की मॉम लीला पर गुस्सा करती है। वह उसे जैसन से दूर रहने को कहती है, और वही हुआ जिसका लीला को डर था। घर आने के बाद जैसन की मॉम जैसन को भी बहुत डांटती है, जिस वजह से जैसन गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। इसके बाद जैसन लीला के घर जाता है, पर लीला उसे वहाँ से चले जाने को कहती है और जैसन चला जाता है। थोड़ी देर बाद डोर के नीचे से एक लेटर पास होता है। जब लीला वो लेटर पढ़ती है तो उसमें जैसन ने लिखा था कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उसके बिना वो नहीं रह सकता। तो लीला दरवाजा खोलती है और दोनों गले मिलते हैं। जैसन लीला को बताता है कि हम शहर छोड़कर भाग सकते हैं। तब लीला कहती है कि इसके बारे में सोचूंगी। स्कूल में जब लीला और जैसन बात कर रहे थे तब मीत उन्हें देख लेता है और मन ही मन बहुत गुस्सा होता है। एक रात जब लीला अपना काम कर रही थी तभी वहाँ मीत आता है और लीला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। रात को जब जैसन लीला के घर आता है तब वो देखता है कि लीला बहुत रो रही थी। लीला जैसन को अपने साथ जो हुआ उसके बारे में बता देती है। इस बात से गुस्सा होकर जैसन अगले दिन मीत पर हाथ उठाता है और इस जुर्म में उसे जेल भी हो जाती है, लेकिन जैसन की मॉम जैसन को छुड़ा लेती है। अगले दिन जैसन स्कूल में नहीं आता, जिस वजह से लीला बहुत परेशान थी। अगले दिन जब जैसन लीला के घर जाता है तब वो अपना सामान पैक कर रही थी। जैसन को लगता है कि वो शहर छोड़ने के लिए रेडी हो गई है, लेकिन लीला बताती है कि वो अकेली शहर छोड़कर जा रही है। यहाँ वह जैसन को समझाती है कि तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। जैसन कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, पर लीला उसकी एक भी नहीं सुनती और